तो यहाँ पे देखिए पानी पूरी तलना तैयार हो गया है और देखिए यहाँ पे काम चालू हो गया। और ये देखिए छोटी छोटी भी है मशीन की, लेकिन मशीन का एक रीज़न है, मतलब मैं इनसे पूछता हूँ मशीन से क्यों बेलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये देखिए आप लोग, ये पानी पूरी जो हम लोग बेलते हैं ना, कभी कभार देखो हम लोग तो बेलन से बेलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट ये जो मशीन है पूरी मशीन, इससे भी बेली जाती हैं। ये देखो इसमें पन्नी बांधी गई है, पन्नी क्यों बांधी गई है एक वीडियो में मैं आपको दोस्तों बाइंग गाइड बताऊंगा, मतलब कौन सी पूरी मशीन खरीदें, कितने नंबर खरीदें, तो वो वीडियो अगली वीडियो होगी जैसा भी। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या पानी पूरी जो मशीन से बेलते हैं पूरी मशीन से, उसकी पानी पूरी अच्छी आती है या नहीं। बट मैटर करता है कि आपने आटा कैसे लगाया है, वो मैटर करता है। एक तरफ देखो कुछ बच्चे लोग भी बेल रहे हैं, ये देखिए पूरी मशीन से क्या होता है ना कि एक बार बेला और साइड में कर दिया, और बेलन से बेलते हैं तो उसमें टाइम लगता है, बट इससे बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कभी कभार क्या हो ना, इससे पापड़ी भी आ जाती है, कभी कभार पूरी मशीन से कभी कभार पापड़ी भी आ जाती है। क्यों आती है मैं आपको आगे बताऊँगा। ये देखिए ये जो पानी पूरी बेल रहे हैं ये थोड़ी छोटी साइज़ की है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और ये देख रहे हैं एक तरफ अलग अलग चार लोग बैठे रहते हैं चारों तरफ, और क्या सिस्टम बनाया रखा है आप लोग देख सकते हो, कागज़ बांध दिया है, ऊपर से पन्नी बांधी है, और पन्नी इसलिए बांध देते हैं ना कि मतलब जो अपनी पानी पूरी है वो चिपके नहीं और वो आसानी से निकल जाए, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन ये देखिए कुछ कुछ पानी पूरी ऐसी हैं जो छोटी हो जाती है, इससे प्रेशर नहीं बन पाता, वो आपकी मशीन की गलती है, आपको मशीन को अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए कोई छोटी है कोई बड़ी है, और इसको देखो ऐसे करके रखा जाता है, इसमें हवा नहीं लगेगी, और मोटा कपड़े में रखे हैं इन लोग, अगर आटा गीला है तो मोटा कपड़े में आप रख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि सारी पानी पूरी निकाल कर एक तरफ रखी जा रही हैं, और उसके बाद देखो लेयर, देखो भाई साहब ये देखो लेयर, और नीचे एक पटरा है, और पटरे के नीचे क्या रखा हुआ है, एक पीढ़ा रखा हुआ है, उसके ऊपर इसको बना दिया जाता है, और इसको 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद तलेंगे। अभी देखो एक के बाद एक पानी पूरी को उठाकर ढाका जा रहा है अच्छे तरीके से, एक तरफ पूरा ढाक दिया जाएगा इसको, ताकि जो खुले में पानी पूरी थी उसको हवा ना लगे। ये देखिए हो गया ये इतना काम कंप्लीट, और इसको अच्छी तरीके से ढाक दिया जाएगा। ये देखिए मैं भी हेल्प करवा देता हूँ हल्की सी, ये हो गया इतना काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी पूरी की जो मशीन है इसमें दिक्कत क्या होती है, मतलब ज़्यादा देर चलती नहीं है, मतलब कुछ दिनों में ख़राब भी हो जाती है बहुत जल्दी। ये देखिए जैसे इसका ये स्क्रू है, ये निकल जाता है कभी कभार तो घिस जाता है या टूट जाता है, और ये ना कच्चा लोहा होता है, मतलब 250 से 300 रुपये के आसपास मिलेगी। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को कैसे खरीदें वो पता चलेगा। तो ये देखिए ये जो है ना पन्नी बांधी गई है, कागज़ बांधा गया है, इसको ऐसे करके दबाना पड़ता है, बट अगर ये एक साइड निकल जाता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तरफ दबेगी और एक तरफ नहीं दबती है उसके बाद। तो इसमें देखो ग्रीस वगैरह तेल वगैरह डाला जाता है कि फ्री चले मशीन पूरी अच्छी तरीके से, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये देखो साइड में ना जैसे पानी पूरी फंस जाएगी इतने में तो वो भाई पचकी हो जाती है पूरी, और बहुत सारी मशीनें इनके यहाँ, मतलब ये ना मशीन से ही काम करते हैं, एक टूटती है दूसरी नई ले आते हैं तुरंत, बहुत सारी मशीन 8-10 मशीनें इनके यहाँ ऐसे ही देखो फेंकाई हुई हैं, पूरी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि ये मशीन से ही काम करते हैं, बट हम लोग ना बेलन से बेलते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हम लोग की शुरू से आदत है, पहले हम लोग भी मशीन से बेलते थे जब हम लोग थोक में पानी पूरी बेचा करते थे, बट अब नहीं करते। ये देखो इसका नट निकल गया तो कांटी लगा दी, मतलब जुगाड़ जंतर भाई चलता रहता है। और मैं अब आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि इसकी पानी पूरी तलने के बाद कैसी आती है भाई साहब, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी आपको मज़ा आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए अगर आपकी प्रेशर नहीं बनता है ना तो आप इसको ज़्यादा कागज़ बना सकते हो, बांध सकते हो, मोटा कर सकते हो, जिससे आपकी पानी पूरी अगर मोटी हो रही है तो पतली हो जाएगी, ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं पानी पूरी जहाँ तलते हैं वहाँ। तो ये भाई घर बड़ा है तो लास्ट फ्लोर पे तलते हैं। ये देख सकते ये प्याज वगैरह है, इधर आलू वगैरह सब रखाया हुआ है, और खुला इसीलिए कर दिया है कि ताकि हवा लगे, हवा लगेगा तो ख़राब नहीं होगा सामान। ये देखो भाई साहब ऊपर ना पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ये देखिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है अच्छी तरीके से, पंखा लगा हुआ है, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें तेल डाला जाएगा अभी, और यहाँ पे देखो खुले में पानी पूरी तलते हैं। ये देखिए आप लोग काम चालू है भाई, और एक तरफ से पानी पूरी डाल रहे हैं देखिए, और बहुत बड़ी इनकी वो है जिसमें पानी पूरी लगा के रखते हैं। ये देखो अब इनका रोज़ का काम है तो इनकी पानी पूरी मशीन से भी बढ़िया आती है, हम लोग भी मशीन से बेलते थे बट यार छोड़ दिया ना, क्योंकि हम लोग थोक में फुल्की देते नहीं किसी को इसीलिए।
ये देखिए, और पानी पूरी इनकी छोटी छोटी साइज़ है, हम लोग की ना थोड़ी सी बड़ी बनती है क्योंकि हम लोग बेलन से बेलते हैं तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन मशीन से ना दब नहीं पाती अच्छे तरीके से, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब इसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन भाई तेल ना हरदम गर्म होना चाहिए, गर्म तेल में पानी पूरी एकदम फटाक से फूल जाती है, अब मानो ना मानो लेकिन यही सच है भाई। ये देखो अभी इसको साइड कर दिया जाएगा पूरे अच्छी तरीके से। ये देखो ये बच्चा है, डाल रहा है एक तरफ से तल रहे हैं भाई, मेहनत बहुत लगती है भाई। और यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी है अभी, और ऊपर से जो पन्नी है ना उसके नीचे आँच और भी ज़्यादा लग रही है। ये देखिए साइज़ देखिए आप लोग, काफ़ी बेहतर है, एक तरफ बड़ी बड़ी एक तरफ छोटी छोटी। ये देखो एक तरफ बड़ी आ रही है और एक तरफ छोटी छोटी भी आ रही है, सब प्रकार की पानी पूरी आती है, और वैसे भी ना हर प्रकार के कस्टमर भी आते रहते हैं अपने पास। तो ये रहा वो एरिया जहाँ पे पानी पूरी तलते हैं इतने ऊपर में, तो वहाँ पे पानी पूरी तल रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप तो यहाँ पे देखिए पानी पूरी तलना तैयार हो गया है, और देखिए यहाँ पे काम चालू हो गया। और ये देखिए छोटी छोटी भी है मशीन की, लेकिन मशीन का एक रीज़न है, मतलब मैं इनसे पूछता हूँ मशीन से क्यों बेलते हैं? जल्दी बन जाता है इसलिए। हाँ बोल रहे हैं कि जल्दी बेला जाता है, आपने देखा ना कि एक मशीन में मतलब चार मशीन चल रही थी, दो दो पीस रखते हैं और बेलन से बेलेंगे तो एक बेलन ऐसे मारना पड़ेगा, एक बेलन ऐसे मारना पड़ेगा, तो बेलन से थोड़ी देर होती है। और ऐसा भी नहीं है, मशीन अगर आप अच्छी तरीके से बना लोगे तो आपकी पानी पूरी भी अच्छी फूलेगी। देखो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही है, लेकिन आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके लिए। अब इनका कहना है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मशीन में मोटी पतली भी हो जाती है, उसका क्या दिक्कत है? पपड़ी भी काम आ जाती है। हाँ मतलब पपड़ी भी ज़रूरी है कस्टमर को देने के लिए। अब देखो भाई 100% पानी पूरी कभी भी नहीं फूलती, किसी की नहीं, जैसे इसमें कुछ पपड़ी आई है तो चार में फोड़ने के काम आएगी, और जो 10 रुपये की खाते हैं तो भाई एक दो सूखा तो वो मांग ही लेते हैं, तो उसमें काम आती है। तो अब मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको मशीन की बाइंग गाइड, मतलब क्या चाहिए आपको एक मशीन खरीदने के लिए और कैसी होनी चाहिए।